दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह एक 13। यहाँ से दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ तक आपका 13 फीट हो रहा है। अभी दोस्तों मैंने इसको अंदाज़ा लगाया कि 13 फीट है, लेकिन अभी हम टेप में इसको कैलकुलेशन डायमेंशन पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, मेरा अंदाज़ा कितना तक, जो भी आपका डायमेंशन जो होगा, जितना भी मतलब मापने से जितना डायमेंशन आएगा, मेरा अंदाज़ा वो कितना सही है दोस्तों, अभी उसको देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीएम प्लांस डिज़ाइन एंड नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। दोस्तों टाइल्स से अपना घर का जो डायमेंशन है वो दोस्तों कैसे पता करना है? दोस्तों आप अगर एक सिविल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फ्रेशर हैं, दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को काम आ सकता है। कोई भी आपको अगर सिविल की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी आपको पूछ सकता है कि मुझे थोड़ा बताओ कि यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन कितना है, और आपके पास मापने के लिए, डायमेंशन मापने के लिए टेप वगैरह कुछ भी नहीं, तो आपको कैसे पता करना है, कैसे अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होगा? और जो आपको अंदाज़ा लगाना है वो भी आपको आसपास ही लगाना है। ऐसे नहीं कि मान लीजिए एक 20 फीट का है, प्रॉपर डायमेंशन 20 फीट का है, आप अंदाज़ा लगा के बोल रहे हैं कि 26 फीट का होगा, 20 फीट का है आप अंदाज़ा लगा के बोल रहे हैं कि 15 फीट का होगा, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जो अंदाज़ा लगा रहे हैं वो आसपास ही होना चाहिए। मान लीजिए 20 फीट का है, आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि ये करीब करीब 18 से 22 फीट तक होगा अंदाज़ा लगाने से। तो ऐसे कैसे अंदाज़ा दोस्तों लगाए कि वो आसपास, जितना डायमेंशन प्रॉपर है वो आसपास ही आपका अंदाज़ा आए? दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, जो जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको टाइल से हो या चाहे मार्बल से हो, आप आराम से घर का जो डायमेंशन है वो आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, सही से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अभी दोस्तों इसका एक्चुअल में डायमेंशन पता कर लेते हैं कि कितना स्क्वायर फीट, जैसे कि मैंने आपको पहले फर्स्ट में बताया कि ये 13 फीट है, तो इसका डायमेंशन अभी पता कर लेते हैं कितना है दोस्तों एक्चुअल में। तो यहाँ से हो गया आपका कितना, मैं मार्क कर लेता हूँ, मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ से दोस्तों हो गया आपका 9 फिट, ठीक है दोस्तों। यहाँ से वहाँ से यहाँ तक आपका 9 फिट हो गया। तो अभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 13 फिट, जो अंदाज़ा लगा के आपको बताया दोस्तों। अभी पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं कि कितना हो रहा है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे दोस्तों जो हो रहा है वो हो रहा है 4 फीट 1 इंच। मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक 9 फीट, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 4 फीट 1 इंच, तो टोटल हो गया आपका 13 फीट 1 इंच दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ से तक होगा आपका 13 फीट, लेकिन 13 फीट 1 इंच आ रहे, कहीं पे थोड़ा उधर इधर उधर हो रहे दोस्तों। यहाँ पे एक काफ़ी एक मतलब जानने वाला चीज़ है, पता करने वाला चीज़ है। देखिए यहाँ पे आपका जो टाइल है, ये टाइल है जो, देखिए ये जो टाइल आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और आपका ऐसे जो आ रहा है ये जो टाइल है दोस्तों, ये आपका 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल है दोस्तों। देखने से ही पता चल जाएगा कि 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल है। आप अगर इंजीनियर हैं, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं या साइट इंजीनियर हैं, तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि ये 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल है। और इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं ऐसे 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 फीट 1 फीट 1 फीट 1 फीट आ जाते हैं, जो कि 1 फीट का 4 टाइल यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा आराम से कि कितना स्क्वायर फीट है। आपको आराम से अंदाज़ा लग जाएगा कि घर का कितना, रूम का डायमेंशन दोस्तों कितना है। अभी दोस्तों ये हो गया तो बड़ा वाला टाइल, ये आपका 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल है। अभी जो 1 फीट का टाइल है, मैं उसका डायमेंशन आपको दिखाता हूँ कि कितना टोटल जो रूम का डायमेंशन रहेगा वो दोस्तों कितना रहेगा, वो अंदाज़ा सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आप दोस्तों, मैं आप लोगों को अंदाज़ा लगा कि यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो, यहाँ से दोस्तों पूरी तरीके से वहाँ तक कितना फिट है, उसके बाद हम टेप से डायमेंशन माफी करेंगे कितना हो रहा है एक्चुअल में। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पे जो आपका छोटा सा है दोस्तों, ये करीब करीब हो जाएगा आपका 4 इंच का करीब करीब दोस्तों हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे ये 1 फिट का टाइल, 1 फिट 2 फिट
3 फिट, 4 फिट, 5 फिट, 6 फिट, 7 फिट, 8 फिट, 8। ये बड़ा वाला टाइल है, जैसे कि उस तरफ उस रूम में जिस तरह से जिस तरीके से था दोस्तों, देखता हूँ। 8 फिट, 8 दो 10 फिट, 10 दो 12 फिट, 12 एक 13 फिट, 14 फिट, 15 फिट, 16 फिट, 17 फिट, 18 फिट, 19 फिट, 20 फिट, 21 फिट, और यहाँ पे आपका एंड होता है 22 फिट में, यहाँ पे एंड होता है दोस्तों। दोस्तों अभी उसको पता कर लेते हैं टेप से कि हॉस्टल में आपका कितना हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ से आपका यहाँ तक पूरा 22 फीट आ जाएगा, तो दोस्तों अभी मैंने उसको पूरी तरीके से टेप से डायमेंशन उसको मापा कि कितना आ रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मार्क यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से दोस्तों वहाँ तक जो आपका डायमेंशन है वो है दोस्तों 9 फिट, ये दोस्तों 9 फिट यहाँ से है। दोस्तों टेप 5 मीटर का है इसीलिए पूरा नहीं आ पा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मार्किंग किया है मैंने। दोस्तों देखिए यहाँ से हो गया वहाँ तक आपका 9 फिट हो गया, फिर ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं तो यहाँ से वहाँ तक है आपका कितना 9 फिट है। दोस्तों ये वहाँ से 9 फिट, ये वहाँ से 9 फिट। दोस्तों यहाँ पे इस मार्किंग से आपका इस मार्किंग तो जो गैप है दोस्तों वो है आपका 3 फिट 7 इंच, 3 फिट 7 इंच दोस्तों। तो उसको अगर ऐड कर दें तो कितना हो गया आपका 9 फिट, 18 फिट, 18 फिट, 3 फिट 7 इंच, मतलब 21 फिट 7 इंच दोस्तों। तो मैंने आपको अंदाज़ा लगा के बताया कि 22 फिट है, जो कि आया प्रॉपर जो डायमेंशन आया दोस्तों वो आपका है 21 फिट 7 इंच दोस्तों, पूरी तरीके से आसपास उसका आ गया दोस्तों। प्रॉपर डायमेंशन नहीं मिलेगा लेकिन पूरी आसपास उसके पास ही आ जाएगा अंदाज़ा लगाने से दोस्तों। वैसे ही दोस्तों ये जो आपने देखा ये इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप ही बता सकते हैं अभी, ये वाला टाइल 1 फिट का है, 1 फिट बाई 1 फिट का, ये भी टाइल 1 फिट बाई 1 फिट का है। तो 1 फिट, 2 फिट, 3 फिट, ये 4 फिट, और ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं ये 2 फिट बाई 2 फिट का है। 4 फिट, 4 2 6 फिट, 6 2 8 फिट, 8 1 9 फिट, 9 1 10 फिट, 10 1 11 फिट, 11 1 12 फिट। तो करीब करीब देखा जाए तो 21 फिट 7 इंच बाई 12 फिट का ये जो हॉल है, 21 फिट 7 इंच बाई 12 फिट का हॉल है, जो कि आराम से आप अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं दोस्तों। ये था पूरा टोटल हमारा मतलब इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।